आइएगा। अग्नि कुमार जो दिन बने हैं हमारे भाई, पहला सुखपाल जी कांगे वालों के सुपुत्र भाई दोनों, विधिया और संस्कार सब पूरे हो गए। इस काल में लोग बड़े प्रभावशाली और पुण्यशाली हैं कि जो काम सौधर्मेंद्र ने सदियों पूर्व बड़े पुरुषार्थ के साथ पूरा किया था, आज अपन इंद्र के रूप में संस्कारित होकर के वही काम कुछ समय और घंटों में पूरा कर लेते। युगों युगों पहले इस धरती पर 24 तीर्थंकर हुए, उस समय अपना योग उसमें नहीं था। सौधर्म इंद्र जाति का देवता और देव परिवार यहाँ इस पृथ्वी पर आते थे, जैसे अपन यहाँ कृत्रिम रूप से जो सजावट और रचना करते हैं, जो पुण्य के परिपाक अर्जित करते हैं, वैसा ही सौधर्म इंद्र बड़े भाव से बड़े तरीके से उसको पूरा करता रहा। भगवान रहे नहीं, इसलिए हम भगवान की मूर्ति बनाते। भगवान साक्षात इस समय यहाँ नहीं है तो हम मूर्ति बनाते हैं, साक्षात इंद्र यहाँ नहीं आता है तो हम इंद्र बनते हैं। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे अपने पुरखों के काम की नकल करते हैं, लेकिन भाव वैसा ही होता है। छोटे बच्चे हैं, खाना बनाने के खिलौने संयोजित करते हैं। माँ तो असली में खाना बनाती है, लेकिन बच्चे नकली उपकरण को लेकर के वैसा ही रूप और भाव बनाते हैं। ऐसा ही अपन यहाँ किया जा रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस पंच कल्याण को बहुत अच्छी तरीके से आपने संपन्न किया। जिन महानुभाव ने सौधर्मेंद्र का पद लिया, वे बड़े गौरवशाली है कि इन्हें ये पद मिला और ऐसे ही सौधर्मेंद्र जैसे भाव बनाकर पूरे पंच कल्याण किए। भगवान के माता पिता बनने वाले पात्र जीवन में त्यागी व्रती की तरह जीवन निर्वाह करेंगे और वैसा ही सौभाग्य अर्जित किया जो माता मरु देवी और नाभिराज ने किया था। धनपति कुबेर ने वही नियोग पूरा किया, रत्न बहुत बिखेरे कि मेरे प्रभु के आने से पहले इस धरती पर कोई दरिद्री नहीं रहना चाहिए, सारे संपन्न होने चाहिए, बहुत रत्नों की वृष्टि की। ईशान सनत कुमार महेंद्र यज्ञ नायक जैसे पात्र और आप सब देवताओं ने बहुत मनोरथ हासिल किया। अष्ट कुमारिका, छप्पन कुमारिका, लोकांतिक देव, त्रयस्त्रिंशत देवता, जितने जितने पात्र बने आहार दाता, वो सभी पुण्यशाली हैं। और विशेष पुण्यशाली जो काम अयोध्या में किया सौधर्म इंद्र ने, वो काम हमारे ली डायमंड लाला सुकुमार जी कांगली वालों ने पूरा किया है। ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं कि अपने इस आयतन का कैसे सदुपयोग करें। राग रंग के काम तो यहाँ बहुत होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई अर्जन करूं कि मेरी इस धरती पर देवता पैदा हो, मेरी इस धरती पर कोई महान व्यक्तित्व पैदा हो और यहीं से निर्वाण जाए। पंडित जी, तीसरा पंचना चाहिए चौथे मंदिर का, तीसरा पंच कल्याणक है। पहले दो कल्याणक यहाँ हो चुके, दो प्रतिष्ठाएं यहाँ हो गई है। सारे मंत्र, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारे स्तोत्र और इंद्रों की चमकती हुई भावना यहाँ विसर्जित होती है और उसका लाभ इस परिवार को मिलता है। बहुत भद्र परिवार है, हम इनको बधाई देते हैं। महानुभाव पंडित अजीत शास्त्री जी जिन्होंने ये संयोजना बनाई, आपको हिम्मत दिलाई कि चलो एक पंच कल्याण करते हैं, ऐसे पंडित जी नहीं मिलते।
व्यवस्था कराने वाले नहीं मिलते, जमी जमाई व्यवस्था में बैठने वाले हम जैसे लोग मिल जाते हैं कि व्यवस्था जमी हुई है, पत्थर लगी हुई है, आइए भोजन करिए। लेकिन एक से शुरू करके 100 तक पहुंचाना और सबको साथ लेकर के हिम्मत दिलाना, व्यवस्था देना, आपके दिल्ली के मनोरथ हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और लाला जी जिन्होंने 20-21 साल का परिश्रम किया, 21 साल तो एक बड़ा युग होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, शरीर ने भले ही साथ न दिया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन हिम्मत इनकी कमजोर नहीं हुई। और जिनके हौसले और हिम्मत कमजोर नहीं होती है, विधाता उसका सहयोग करता है। वो तो परीक्षा की घड़ियां हैं, 14 साल तक राम को भी परीक्षा देनी पड़ी, 12 साल तक सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी, मैना सुंदरी और श्रीपाल ने भी परीक्षा की घड़ियां बीती है। तो यहाँ लाला जी पर भी वो संकट भले ही आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, भगवान का मंदिर तो मैं बना के रहूँगा, प्रतिष्ठा करा के रहूँगा, सारे काम पूरे। अभी भले ही हम रात को गए थे वहाँ, देखा खजूरी में, तो बोले यहाँ तो 2-3 घर हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, घर कितने हैं, पहले भगवान आएंगे फिर घर बसेंगे। मंदिर होगा तो मंदिर के सहारे समाज बसेगी, जो होगा वो मंदिर की घंटियां सुनेगा, मंदिर की जयनाद सुनेगा। इसलिए मंदिर तो किसी इलाके में बहुत जरूरी होता है। देवालय परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज जी जिनने समारोह के लिए आशीर्वाद दिया, परम पूज्य मुनि श्री विहर सागर महाराज जी जिन्होंने इस समारोह के लिए आत्म प्रेरणा प्रदान की, और परम पूज्य मेरे नाम के धनी है महाराज, इनका चेहरा हसमुख है, मैं तो नाम से हसमुख हूँ, ये चेहरे से हसमुख है, सदैव खुश रहते हैं, सदैव भक्तों पर आशीर्वाद लुटाते हैं, समय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और निश्चल भाव से ऐसे पूज्य महाराज श्री विशत सागर महाराज से इन्होंने कितना कितना श्रम करके अपनी चर्या का समय आपको दिया, अपनी साधना का समय इस पंच कल्याण को दिया, और पूरे मनोयोग से कल हमने देखा कि जब वो केवल ज्ञान कल्याण के संस्कार कर रहे थे, हर मूर्ति पर तल्लीनता से, एकाग्रता से, निष्प्रमाणी होकर के मनोयोग पूर्वक संस्कार कर रहे थे। इनके साथ में परम पूज्य विश्व सूर्य सागर महाराज जी, उन्होंने भी बहुत महाराज श्री का अनुसरण करते हुए हर मूर्ति पर बढ़िया संस्कार किया है। मैं समझता हूं कि जहां पंच कल्याणकों में 200 से 500 मूर्तियां होती है, उनमें इतना संस्कार में खरा बोलूं तो नहीं हो सकता। हम करते हैं कि जहां 400 मूर्तियां किसी वेदी में प्रतिष्ठित हो रही है, वहां 2 महाराज जी हैं, 2 पंडित जी हैं, समय तो वही 2.5 घंटे का है, 400 मूर्तियों का संस्कार मेहनत करने पर भी इतना पूरा नहीं हो सकता जितना 11 मूर्तियों को संस्कारित करने में पूरा योग दिया महाराज श्री ने। बहुत सुंदर प्रतिष्ठा है। इतिहास के पन्ने ये कभी नहीं बताते कि प्रतिष्ठा में भीड़ कितनी हुई, कोई इतिहास का पन्ना नहीं बताता, किसकी शादी में कितनी थालियां लगी, कितनी डिश बनी, कितना खाना बना। वर्तमान में तो लोग बोल सकते हैं 2-4 दिन के लिए तो, लेकिन 100 साल के इतिहास में वो चीज लुप्त हो जाती है। 100 साल के इतिहास में तो केवल वही चीज रहती है कि इनके संस्कार कैसे हुए, बहुत अच्छे संस्कार हुए इसलिए चमक रहे हैं। किसी पंच कल्याणक में शादी से भी कम लोग एकत्रित हों, एक परिवार जैसे लोग एकत्रित हों, उसका कोई मायना नहीं। लोग तो केवल अपना कल्याण करने के लिए आते हैं, महज क्रिया कैसे हुई, विधि कैसे हुए,
इंद्रों ने कैसे शालीनता से काम किया वो महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। राजकुमार जी संयोजक, जिन्होंने बहुत पंडित जी के साथ और समाज के साथ, इसके अलावा भी और कार्यकर्ता हैं, मेरा सबसे परिचय नहीं है, लेकिन मैंने सबको अच्छी तरह से देखा है, सब शालीन बढ़िया बढ़िया काम किया। भाई अरविंद संगीतकार, हमारे सब पुजारी पंडित श्रेयांश जी, ये सब धन्यवाद के पात्र। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंद्र ने जो बहुत बड़ा आयोजन किया था, स्वधर्म इंद्र ने पंच कल्याणक का बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन हम पाखड़ी के बराबर काम किया, लेकिन उसके बराबर का है, उससे कम नहीं है। विवाह पंचमी थी और जानकी की शादी की सालगिरह थी, सीता की शादी की सालगिरह। सारे लोग शादी के वर्षगांठ को मनाने के लिए अयोध्या में जा रहे थे। रास्ते में खेत का मालिक, जिसका नाम था मनुवा मालिक, वो चार बंबू लगा रहा था, ये ले लो भैया। मनुवा मालिक जो चार बंबू और एक पितान तान करके कुछ फूलों के गुब्बारे लगाकर एक मंडप की तैयारी कर रहा था। आते जाते लोगों ने पूछा कि मनुवा तुम ये क्या कर रहे हो? बोले मैं सीता के स्वयंवर की रचना कर रहा हूं। सीता का स्वयंवर की रचना? बोले हां। जिस समय जनक राजा ने सीता के विवाह के लिए मंडप बनाया था, लोग कहते थे कि वो मंडप बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कमी रह गई थी और मेरा मन है कि मैं उस कमी की पूर्ति करूं। लोगों ने कहा कि मनुवा पागल हो गया है तुम? जनक ने जिस समय मंडप की रचना की सीता के स्वयंवर की, देवता भी उसमें बैठने के लिए तरसता था। कोई जाति का पुष्प ऐसा नहीं था जो मंडप में नहीं लगा होगा, कोई जाति का फल ऐसा ना होगा कि उस मंडप की सजावट में काम ना आया होगा, और कोई रत्न ऐसा ना होगा जो उस मंडप में पूजा के लिए काम में ना लिया हो। सारा बहुत अच्छा था, अब क्या कमी तुझे दिखी तो उसकी पूर्ति के लिए तुम दूसरा मंडप बना रहा है? बोले मेरे को कमी दिखी है। बोले बताओ क्या कमी दिखी? उन्होंने कहा मैंने सब देखा, सारे सारे राजाओं की भरी हुई सभा देखी उसमें, सारे सारे जितने गृहस्थाचारी थे उस विधि को कराने वाले उनको देखा, दिव्य वैभव भी देखा, लेकिन उसमें मैंने मनुवा माली नहीं देखा। मैंने सब देखा लेकिन मैंने मनुवा माली उसमें नहीं देखा था, इसलिए उसकी कमी की पूर्ति के लिए कि मंडप में मनुवा माली भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मंडप बनाया और उसकी पूर्ति के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। स्वधर्म इंद्र ने उस युग में कैसा समारोह किया, कितने रत्नों की वृष्टि की, किस तरह के देवताओं ने आयोजन किया, ये सब मैंने शास्त्रों में सुना, लेकिन उस मंडप में मेरा जो बैठा हुआ स्वधर्म इंद्र नहीं था। मेरे बैठे हुए ली डायमंड वाले हमारे श्रावक सज्जन नहीं थे, भगवान के माता पिता के पात्र रचने वाले, कुबेर के पात्र रचने वाले और ईशान सनत्पाद, इन पात्र रचने वाले पात्र नहीं थे हम लोग, इसलिए उस कमी की पूर्ति के लिए ये छोटा सा मंडप बनाया, ताकि उसकी पूर्ति हम यहां बैठ के कर लें। वही पुण्य संयोजित किया जा रहा है जो स्वधर्म इंद्र ने किया। आप सब बधाई और धन्यवाद के पात्र, जितने श्रोता वे सब साधुवाद के पात्र। और मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि इतना शांति से
वातानुकूलित स्थान पर जहां कोई तरह का धूल मिट्टी नहीं है, शोरगुल नहीं है, ऐसी जगह पर पंच कल्याणक होने चाहिए। भीड़ भाड़ हाहू धम धमाल, वहां क्या मिलेगा? शांति अशांति, खींचा तानी हा हुल्लर मिलेगा। ऐसी शांति प्रिय स्थान पर भक्ति में आनंद आएगा। पूज्य महाराज श्री के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ। दोनों महाराज श्री का मैं विनय से श्रद्धा और नमोस्तु निवेदन करता हूँ कि समय में पूरा आपने योग दे करके और इस पूरी विधि को संपन्न कराया है। भविष्य में भी अपेक्षा रखते हैं हम कि पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हर जगह हम लोगों को मिले और अच्छे संस्कार विधि हो। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और समय समय पर जिन लोगों ने यहाँ प्रतिष्ठा में भाग लिया, इंद्र बन करके ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार वहां पहुंचे जहां आपने भगवान की प्रतिष्ठा की, जहां भगवान विराजमान किए। समय हो तो विधान करें, कम समय हो तो पूजा करें, और कम समय हो तो मन चला के दर्शन करें। जलाभिषेकों को चार कलश सौधर्मंद कलश लेंगे, माता पिता यज्ञ नायक और ईशान, चार इंद्र, चार कोनों के चार कलश। जब बोलेंगे तभी इष्टैर मनोरथ सतैर भूपुंसं पूर्णैः सुवर्ण कलश निकलेगा। सानै संसार सागर विलंगन हेतु से तू मपलाभय त्रिभुवन पद केंद्रम। हाँ, जब बोलेंगे तब काला करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्भम हम सं तम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम शम जम जीं 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 राम राम रीम रीम राव राव नमोले 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 भगवान के अभिषेक रांते विश्वाभिरांते भगवत जिनेन्द्राय अर्घम नरव पामति स्वाहा। द्रव्यैरनल्पघन सार चतुषमाडै प्रमोदवासन समस्त जगंतराय श्री दैन पैसाजिन पुंगवाना त्रैलोक पा। सुनिए, जो इंद्र नीचे हैं आ जाइए, आप हाथ धोना है, शुद्धि करना है, जल्दी आओ, बहुत जल्दी। हाँ, जो रह गए हैं जिनने अभिषेक किया थोड़ा पीछे हो जाओ। आपने अभिषेक नहीं किया ना, इधर आओ। चलो महेंद्र, महेंद्र इंद्र, हाँ हो जाओ, जल्दी शुद्धि करो। मेरे लाइन से, लाइन से चलिए, लाइन चलिए, लाइन से। भक्ति तुम्हारे चलिए अभिषेक करे ते सवेरे सवेरे। सुनिए, भक्ति तुम्हारी अभिषेक करे ते सवेरे सवेरे। हाथ लेकर सोने के कल से, हाथ उठली गई सोनी की धनसी, अभिषेक करते सवेरे सवेरे। अभिषेक करते सवेरे सवेरे, मेरे आदि बाबा भक्ति तुम्हारी अभिषेक करते सवेरे सवेरे, अभिषेक करते सवेरे सवेरे। नई
आधिरा दो पारी लगा दो नहीं आधिरा दो पारी लगा दो खड़ा भक्त द्वारे सवेरे 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 मेरे आदि बाबा मेरे आदि बाबा भैया हेलो हेलो आइए भाई जी जल्दी से शुद्धि करो अपनी भैया जी आशीष जी भैया विवेक जी और आप क्या नाम साके जी आइए अभिषेक कीजिए आइए शुद्ध इनकी जल्दी शुद्ध करो भैया अपनी जी आइए भाई साहब आइए लीजिए कलश जी विवेक जी भैया अभिषेक जी और आशीष जी साके जी से ठाको जल्दी करिए फटाफट इनको तिलक कर दो पहले एक मिनट रुको दाड़म नमो आयरियाड़म रमो उवज्जायाड़म रमो लोई सब साहुड़म ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पार्थ तंकराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धणे पड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक सहायिका प्रमुख चतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी मुनिराज मुनिराज विहर सागर जी मुनिराज मुनिराज व्यसन सागर मुनिराज विशूर सागर आज की शांति धारा करता इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सौदन इंद्र परिवार सौरभ जैन गौरव जैन सब परिवार बाहुबली बाहुबली एंक्लेव एवं कुबेर ईशान सानत कुमार महेंद्र यज्ञनायक एवं सारे माता पिता नाभिराय मरुदेवी एवं ली डायमंड परिवार सुखमाल चंद जी परिवार विवेक जी आशीष जी और उनके पूरे सा परिवार एवं आज पधारे हुए जितने भी अतिथि अपना नाम जोर से ले लो कमेटी में हमारे वीरेंद्र जी आरपी जैन साहब राजकुमार जी मनोज जी लैलिन कौशल जी प्रवीण जी राजकुमार जी जैन चावल वाले धीरज भैया अनुज भैया मोहित भैया रोहित भैया जितने भी इंद्र इंद्राणी हमारे अजय भैया कैमरामैन वर्धमान साउंड अरविंद जी अजीत शास्त्री पंडित हसमुख शास्त्री जी राजा श्रेयांश सोम जो बने थे जगदीश प्रसाद जी और जिनराज जी परिवार राजपुर रोड एवं सकल दिगंबर जैन समाज खजूरी खास एवं प्राणी मात के जीव सभी लोग छिन छिन भिन भिन बोलेंगे अपमायम अस्माकम छिन छिन भिन भिन जोर से बोलिए मित्तुम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्गोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वभयम सर्वमातृचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम रोगम कुर रोगम नरमारिम गजमारिम सर्वासमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वविच्छमारिम सर्वपत्मारिम सर्वपुष्मारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविस्मारिम सर्वेतालसाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजो बल सौरवे शांति गुरु सब जनानंदराम गुरु सर्व बब्यानंदराम गुरु गुरु सब गोकुलानंदराम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्ट पत्तन दौन मुख सर्वानंदराम गुरु गुरु सब लोकानंदराम गुरु गुरु सब देशानंदराम गुरु गुरु सब यजमानंदराम गुरु गुरु सर्व दुख हन हन दय दय पट पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तिस लोकेशु व्याधिन विसन्न वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्रीमस्तु कुल गोधंडान सदास्तु चंद्रपो वसुभुज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पास श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयस्तु नित्य मारमस्तु सर्वस्थान पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोधंदान सदास्तु श्री सधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु
ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाचार भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रश्ना से दोष कर्म साध्य जो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा पित्तु विनाशनाय सर्व पर द्रुपदो विनाशाय सब छामन डामर विनाशनाय। अपना अपना नाम जोर से लीजिए। सर शांतिम करो करो, तुष्टिम करो करो, पुष्टिम करो करो, वसे स्वाहा। संपूजिता नाम प्रतिपालिता नाम यदीन्द्र समान तपोधना नाम करो तू शांति भगवान जी ने दा करो तू शांति भगवान जी ने दा करो तू शांति भगवान जी ने दा। एक मिनट धारा करते रहो, सामने से सब लोग हट जाओ, सब हट जाओ। कौन है लंबू वाले भैया, कौन है? सौरभ है, गौरव है, इधर आ मुझे देखने। हाँ सभी लोग जय हो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की, और जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की, अजितनाथ भगवान की, शंभनाथ भगवान की, जय हो पदम प्रभु भगवान की, प्रभु भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, वासुपूज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, सुब्रतनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की, चौबीस तीर्थंकर भगवानों की, विदेश क्षेत्र में विराजमान बीस तीर्थंकर भगवानों की, अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुवर विराज सागर जी मुनिराज की, मुनिवर विहर सागर जी मुनिराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, विश्व संतरा महाराज की, विश्व महाराज की, मुनि शक्ति अर्घ्य जगह ओम नीम शिव गुप्त वनपते महासाधक वज्राधि कृपा एक मिनट देखिए हमने पिच्छी दे दी है, अब जल्दी नई पिच्छी सब लोग एक साथ ले लेना, ठीक है? खूब सारा सारा खूब बढ़िया। और देखिए तो है ना, जल्दी में क्या बड़ा सहाय चिंता जी जैन उनका जगदीश प्रसाद जी बाबू जी यहाँ पर भी हूँ आए, उनका भी स्वागत किया जा रहा है, सम्मान बहुत कार्य किया, बड़ा कार्य जगदीश प्रसाद जी ने बहुत बड़ा कार्य किया जगदीश प्रसाद जी ने। बाबू जी कहाँ है? राजकुमार जी रमो वज्जायाडम रमो लोई सब साहूडम। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनिराज के, मुनिवर विहर सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, महानुभाव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सा आनंद संपन्न हो चुका। एक पॉइंट रह गया, भगवान जी की मूर्ति विराजमान होते ही
कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाएगा। दिन भर मैं वहीं रहूंगा, शाम के महाआरती होगी। अभी तक यहाँ से दीपक मिलता था, आप आरती कर लेते थे, आज अपने अपने घर से एक एक दीपक लेके आना, आटे का बना करके। पंडित जी शुद्ध होता है ना आटे का, आटे का दीपक बना के लाना, शुद्ध घी लेके आना, बाजार का घी नहीं, घर पे होगा शुद्ध घी वो लगाना, नहीं हो तो घी तो मिल ही जाएगा लगभग लगभग, तो घी उससे अपन क्या करेंगे, शाम के 6:30 बजे बहुत सुंदर आरती करेंगे भगवान की। और ये क्रम अविरल जारी रखना, रोज़ शाम के आना 6:30 बजे, आरती करना 7 बजे तक, और एक शास्त्र लेकर के वाचना करना, क्योंकि कहा जाता है मंदिर बनवा दिया और अगर साधु और शास्त्र ना हो, वाचना ना हो, तो मंदिर खंडर बनते टाइम नहीं लगेगा। भगवान विराजमान है, हमारा कर्तव्य है कि प्रतिदिन मंदिर जाएं, जय घोष लगाएं, घंटा बजाएं, अभिषेक पूजन कराएं, और एक विधान अभी कर लेना जल्द से जल्द। कहाँ गया जी शास्त्री जी, एक विधान अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो एक विधान करना, और भगवान से क्षमा याचना करना कि भगवान अगर पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, अभिमान आ गया हो, मान आ गया हो, कसाय भड़क गई हो, किसी का अभिनय अनादर हो गया हो, कोई देवी देवता रुष्ट हो गए हो, तो महानुभाव भगवान से कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कहना कि हमारे सारे दोष मिथ्या हो। ये पंचकर्णक हुआ 20 तारीख, 15 तारीख से 20 तारीख तक चला, 6 दिन हो सकता है हमारे मूल गुणों में, हमारी चर्या में कोई 19-20 हो गया हो, कोशिश तो ये हुई कि नहीं हो, अगर हो भी गया हो तो भगवान से हमने भी क्षमा मांगी है और एक उपवास प्रायश्चित में लिया है। क्या लिया है, एक उपवास महाराज भी करेंगे, करेंगे महाराज, महाराज कह रहे हाँ करेंगे, और हम भी एक उपवास करेंगे कि भगवान अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमारे सारे दोष मिथ्या हो। और महानुभाव जितने भी इंद्र हैं मिलकर के एक विधान जरूर करा लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लेना। कल सुबह 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे हम लोग अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करेंगे, 6:45 तक अभिषेक शांति धारा हो जाएगी, उसके बाद मेरा विहार शास्त्री पारक के लिए हो जाएगा, जहां 25 तारीख तक मैं रुकूंगा। 2 या 1 दिन का प्रोग्राम हमारे राजपुर रोड, हमारे भामाशाह के नगर में रहेगा, 1-2 दिन वहां रुक करके धर्म ध्यान भी करेंगे, बैठेंगे, उनके यहाँ सोने की प्रतिमा विराजमान है, उसका पंचामृत अभिषेक होता है, प्रतिदिन उनका परिवार करता है, 2 दिन वहाँ भी बैठेंगे, आएंगे जाएंगे, आप लोग भी आते रहना जाते रहना। और आप सभी लोगों ने सुंदर से सुंदर तरीके से जितनी जिसकी सामर्थ्य थी उतनी उन्होंने शक्ति भक्ति के साथ इस पंचकर्णक की प्रतिष्ठा महोत्सव को बहुत ऊंचाइयों तक छुआ। महानुभाव आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मुझे भी आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है तो मैं अक्सर भगवान का आशीर्वाद लेकर आता हूँ, गुरु महाराजों का आशीर्वाद लेकर आता हूँ, समय समय पर उनका आशीर्वाद भी बहुत मिलता रहता है। महानुभाव ऐसी मंगल भावना मेरी बनी रहे, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, इसके लिए पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद है, हमारे पंडित अजीत शास्त्री जी, हमारे हसमुख जी पंडित जी, हमारे श्रेयांश जी, हमारे राजकुमार पंडित जी, और भी उनकी टीम ने पूरी मेहनत की, हमारे संगीतकार अरविंद जी ने, हमारे माइक वाले ने, हमारे कैमरामैन ने, हमारे इंद्र इंद्राणियों ने, अगल बगल की समाजों ने विशेष सहयोग दिया। विशेष सहयोग में हमारे यमुना विहार का विशेष से विशेष सहयोग रहा, वहीं की प्रतिमा जी यहाँ विराजमान हुई, उसी के अतिशय और चमत्कार से ये पूरा फलता फूलता रहा कार्यक्रम। महानुभाव सभी के लिए, कई लोगों ने भोजन डोनेट किया, किसी ने द्रव्य दान में सहयोग किया, कोई इंद्र इंद्राणी बने, हमारे सौदर्व माता पिता कुबेर यज्ञनायक ईशान सनत कुमार महेंद्र और भी इंद्र इंद्राणी बन करके इस पंचकर्णक में विशेष विशेष सभी लोगों ने सहयोग किया है। कई कमेटियां ऐसी थी जिनको मैं जानता नहीं, भोजन में लगे रहे, कोई शुद्ध भोजन में, हमारे चौके की व्यवस्था में हमारे अंकुर बिहार के लोग लगे रहे, चांद बाग सोनिया बिहार भागीरथ बिहार ज्योति नगर ज्योति कॉलोनी रामनगर बलवीन नगर कबूल नगर विशेष सहयोग शिवाजी पार्क अशोक नगर गुलाब वाटिका लोनी उस्मानपुर गौतमपुरी कैतवाड़ा ब्रह्मपुरी आदि स्थानों से भी लोग इस कार्यक्रम में रहे, शास्त्री पार्क से लोग आए, शांति मोहल्ला दरियागंज
राजपुर रोड, बाहुबली एंक्लेव, शंकर नगर, कृष्णा नगर, आसपास से बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई। बरेली से भी लोग आए, 6 दिन यहाँ पंचणक में आनंद लिया। महानुभाव बड़ौद से लोग पधारे, सभी के लिए, कल लक्ष्मी नगर से लोग आए थे, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अलवर से पूरी टीम सेवा में लगी रही, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। कई लोग चौके में लगे रहे, पुजारियों की टीम पूरी MP से लगी रही, उन सभी के लिए। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन आशीर्वाद हमारी सुकमाल जैन परिवार ली डायमंड को जाता है, क्योंकि उनके प्रांगण में अभी तक पंडित जी लगभग 125 भगवान प्रतिष्ठा हो गई। 50-60 तो भजनपुरा के पंचणक में हुई, 40-50 करीब करीब जयप्रकाश नगर और चांदबाग के हुई, और बची कुछ ही कसर थी तो खजूरी वालों ने पूरी कर दी। तो 100 शतक मार लिया उन्होंने, और कहा जाता है जब शतक व्यक्ति मारता है तो उसे मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। तो इसी प्रकार मैन ऑफ द मैच के रूप में उनके पूरे परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने देखिए सभी का सम्मान बहुमान और भी खर्चा पानी भी करते रहे, और देखिए पूरा ली डायमंड 6 दिन तक हमारी कस्टडी में रहा, हमारे नाम में एग्रीमेंट रहा। और तो और लाइट, बिजली, लेबर, गार्ड जो भी लगे, सारा व्यवस्था इनकी तरफ से चलती रही। कल लोगों को रसगुल्ला बनाकर खिलाया, रत्न बांटे, अभी मुझे एक माला दे गए, बोले महाराज जी अब इस माला से रोज माला फेरा करो। तो ऐसी भावना उनकी बनी रहती है, पंडित विद्वानों का सम्मान कर रहे थे। तो महानुभाव ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा कर उत्साह वर्धन करना चाहिए। और देखिए एक प्रोग्राम आज समाप्त हुआ है, और अगले प्रोग्राम का फिर एग्रीमेंट कर लिया। मेयर से कहने लगे मौजपुर चतुर्मास है तो चतुर्मास में एक प्रोग्राम तो आप जरूर करना। तो मैंने कहा जब 20-25 मंदिर अपन कवर कर चुके हैं तो 20 मंदिर या 25 मंदिरों के एक साथ एक मंच पर क्षमावाणी जरूर करेंगे, यही करेंगे। अब बनाएंगे प्रोग्राम बीच में बैठ करके। सारे पुजारियों से निवेदन चाहता हूँ कि सभी पुजारी कल सुबह से कंटिन्यू अब ध्यान रखें, भगवान का अभिषेक पूजन करते रहें। जो पात्र बने हैं महीने में, 15 दिन में, हफ्ते भर में, जब भी आए खूब भगवान के अभिषेक पूजन करें और अपने जीवन को धन्य करें। पंडित जी हसमुख जी, पंडित अधीश शास्त्री जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी टीम के लिए आशीर्वाद कि जब भी समय रहे आते रहें, धर्म ध्यान करते रहें और धन की प्रभावना में, आत्मा की प्रभावना में सहयोगी बनते रहें। आचार्य भवन का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ, मुनिवर विहर सागर जी महाराज का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ, जो उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, पिछली कमंडल दी और मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पंडित जी अब हम जाएं, शुद्धि करें, आहार के लिए उठें, और मुझे लेने के लिए भेज देना पंडित जी, 2-3 लोग को भेज देना, ढोल मजीरे के साथ अपन चलेंगे, ठीक है। और अपने सामने विराजमान करेंगे भगवान को, है ना, ठीक है। मुहूर्त से जाना, और जब भी भगवान का यहाँ यात्रा निकले चौराहे पर जब आप पहुँचो तो कोई भी झूठे मुंह भक्ति मत करना, पहले खा लेना, कुल्ला कर लेना खूब आनंद और उत्साह के साथ। अभी होली की व्यवस्था है, होली सिंदूर लगाते रहना, खूब होली खेलते, खुशियाँ मनाते हुए, मौसम आज बहुत मेहरबान है सामने, खूब आनंद उत्साह के साथ हम सभी लोग क्या करेंगे, वहाँ पर भगवान जी को विराजमान करेंगे। जब तक भगवान विराजमान ना हो, जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मान कसाय नहीं लाएगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ाया, मुझे सबसे हो जा, सबका हाथ लगवा देंगे। महिलाएं शुद्धि का ध्यान रखेंगी, किसी को टच नहीं करेंगे, उनसे बच कर रहेंगे, ठीक है ना। चलिए हेलो, मूर्ति प्रदाता अनिल कुमार जी जैन साहब हमारे मध्य पधार चुके हैं, महाराज जी को सिल्वर भेंट कर रहे हैं, और उनका स्वागत करें भाई हमारे कमेटी के लोग। सौधर्मंद का जी को, माता पिता को कोवे। देखिए हमारे माता पिता जो बने हैं, 2 मिनट वापस, हमारे माता पिता जो बने हैं आदिश नाम है ना, आदिश कुमार जी शिमला जैन। देखिए उनकी भावना कितनी अच्छी होती है कि अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराज समय शिखर जाएंगे और उस चौके में व्यवस्था में सहयोग करेंगे, जब देख लेंगे व्यवस्था कैसे क्या है उसके बाद सहयोग करेंगे। और अभी गौतमपुरी की पांडुक शिला में एक मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 125 फुट की प्रतिमा
विराजमान हो रही है वो प्रतिमा भी हमारे आदि Thank you.
लाइन लंबी हो हम मेट्रो से होशियार बच्चों सावर सावर ऊपर आ गए भैया
विशाल जी महाराज जी के साथ में सुबह शाम नाश ऐसे ले लो, कलश भी आ जाए, हम लोग भी आ रहे हैं। ये लो सब आ गए महाराज जी। पूरा दोनों चीज आ रही है, बढ़िया।